नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीएन भारत और मैं हूं आपके साथ जया हनुतिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भोपाल के कुलार वासियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई सौगातें दी। कलियासोत नदी पर नवनिर्मित सहस्त्र बाहु ब्रिज का सीएम ने लोकार्पण किया। इस नए ब्रिज के बनने से कुलार के सर्वधर्म पुल पर वाहनों का दबाव कम होगा, साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बायो सीएनजी प्लांट का भूमि पूजन भी किया। लोकार्पण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता संवाद कार्यक्रम में रहवासी सोसाइटी के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने बताया कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को कम कर रहे हैं। भोपाल की ग्रीन सिटी सोसाइटी के प्रतिनिधि ने बताया कि हमने संकल्प लिया है कि भोपाल की सबसे स्वच्छ सोसाइटी बनाएंगे। वहीं स्वच्छ शहर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने जनता को शपथ भी दिलाई। इस दौरान मिशन 2023 की तैयारियां दिखी। सौगात के बहाने क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 2 किलोमीटर तक का रोड शो निकालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्थल तक पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज का रास्ते भर में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के लिए 2 दर्जन से अधिक मंच लगाए गए थे। मैंने ये इच्छा प्रकट की थी कि मैं भोपाल के जो प्रमुख नागरिक है एक बार उनसे संवाद करना चाहता हूँ। अद्भुत शहर है अपना भोपाल, ताल तलैयों की नगरी, सैर शिखरियों की नगरी। आज मैं विकास की चर्चा नहीं करूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में भी रामेश्वर जी बैठे, उनके प्रयत्नों से ये पूरा क्षेत्र विकसित हुआ है। और मैं इतने ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज हमने ये कर दिया, आज इसका लोकार्पण है, इसका शिलान्यास है। इस पर आज मैं नहीं जा रहा, मैं इतना कह रहा हूँ रामेश्वर जी कि ये क्षेत्र आपने सच कहा कि रहते भले उधर हो लेकिन नाता इधर कुछ ना कुछ सबका जरूर है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये जो राजा भोज का नगर है, ये भोज का नगर सुंदर नगर हो, ये खूबसूरत नगर हो। अगर अहिल्या देवी का नगर नंबर 1 आ सकता है तो राजा भोज का नगर भी स्वच्छता में नंबर 1 आए, ये मंशा है हमारे मुख्यमंत्री जी की। इसी मंशा को लेकर हमारे पूर्व महापौर आदरणीय आलोक संजय जी, आलोक शर्मा जी, पूर्व सांसद आलोक संजय जी, हमारे बहन कृष्णा गौड़ जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुमंत पचौरी जी, हमारे अन्य नेता लगातार इस आंदोलन को लेकर चलते रहे। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना है। बताओ, भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है या नहीं? कटनी में जनपद अध्यक्ष कन्हैया तिवारी से डीजल कार मांगना एक एएसआई को भारी पड़ गया। एसपी ने शिकायत के बाद एएसआई को निलंबित कर दिया है। कटनी जनपद अध्यक्ष और भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कन्हैया तिवारी से कुठला थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक ब्रजेंद्र तिवारी को डीजल और कार मांगना भारी पड़ गया। कन्हैया तिवारी ने बताया कि इस प्रकार की शिकायत कई दिनों से आ रही थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन से शिकायत की गई। इस गंभीर लापरवाही को एसपी ने तत्काल संज्ञान में लिया और तत्काल सहायक उप निरीक्षक ब्रजेंद्र तिवारी को निलंबित कर दिया। बता दें कि ब्रजेंद्र तिवारी पर पूर्व में भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। एएसआई ब्रजेंद्र तिवारी जी द्वारा पूर्व में भी और अभी भी लगभग कोई जाता भी है थाने में तो थाने चाके चाका ग्राम पंचायत से भी लगभग यही शिकायत आती थी कि पहले उनके द्वारा पैसे की डिमांड की जाती है। हद तो तब हो गई जब आज मुझसे उनने फ़ोन पर ये कहा कि मुझे मुलजिम पकड़ने जाना है और आप मुझे वाहन और डीजल उपलब्ध करा दें। मैंने माननीय एसपी महोदय को पत्राचार के माध्यम से पूछा है कि अगर कोई मद के विषय में शासन से निर्देशित हुआ हो या विधायक जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी देते हो तो जनपद अध्यक्ष और किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष भी देने लगेंगे, लेकिन मद तो बता दें किस मद से हमें वो पैसा देना है। कहां जाने के लिए वहां यूपी में कोई मुलजिम पकड़ने जाना था, अब उनने ये भी नहीं बताया कि किस मुलजिम को पकड़ना, नहीं मैं उसको भी फोन करके बता देता कि आपको पुलिस पकड़ने आ रही। चैत्र नवरात्र के मौके पर आज हम आपको लिए चलते हैं रतलाम शहर, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मौजूद है मां गढ़कंकाई का अद्भुत मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गढ़कंकाई माता मंदिर की स्थापना लगभग 1500 ईस्वी में हुई थी। यहां सभी धर्मों के लोगों की आस्था है। रतलाम सहित अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। रतलाम जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर माही नदी के किनारे मां गढ़कंकाई का अद्भुत मंदिर है।
पहाड़ी इलाके में स्थित इस मंदिर का नजारा बारिश के मौसम में बेहद खूबसूरत और आकर्षित हो जाता है। माही नदी के किनारे पहाड़ी पर बने मंदिर में माँ कालिका के साथ माता शीतला, नागदेव, काला गौरा, भेरू, हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये आदिवासी समाज की गहरी आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि माँ सुबह, दोपहर और रात्रि में तीन रूप बदलती है, बच्ची, युवती और प्रौढ़ रूप में माँ दर्शन देती है। किंवदंती है कि यहाँ रतलामगढ़ की स्थापना राजा रतन सिंह द्वारा की जा रही थी, लेकिन राजा ने अभिमान से माता को प्रणाम नहीं किया। माता ने क्रोध में खंकार किया, जिससे निर्माणाधीन गढ़ बिखर गया। तभी से मंदिर गढ़खंखाई के नाम से प्रसिद्ध है। चैत्रीय नवरात्र में गढ़खंखाई माता के मंदिर पर भक्तों का तांता लगता है। यहाँ नौ ही दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। शहर से काफी दूर पहाड़ी इलाके में होने के बाद भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं लोगों ने माँ के बड़े बड़े चमत्कार भी यहाँ देखे हैं। सबसे पहले जय माता दी सभी को और नवरात्रि की शुभकामनाएं। और यहाँ पे हर वर्ष आते हैं हम लोग और नौ ही दिन आना जाना लगा रहता है और बहुत चमत्कारी मंदिर है ये। सबकी मन्नतें भी पूरी होती है यहाँ पे, मनोकामना पूर्ण होती है लोगों की, हमारी भी हुई है और हम भी लगातार आते हैं यहाँ। पब्लिक बहुत दूर दूर से आती है, रतलाम से आते हैं, बाजना से और कई इंदौर उज्जैन तक के लोग आते हैं। और बरसों हो गए मेरे को यहाँ आते आते, 40 साल हो गए, 40 से 45 साल। और मंदिर तो बहुत पुराना है। यहाँ पैदल यात्रा का भी बड़ा महत्व है। नवरात्र में पैदल यात्रा कर श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मान्यता है कि पैदल यात्रा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र की सप्तमी को रतलाम से 111 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकलती है। इस यात्रा में शहर के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं और ये यात्रा अष्टमी को मां के दरबार पहुंचती है और मां को चुनरी चढ़ाई जाती है। उसके बाद श्रद्धालु के लिए भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। ये तो बहुत पुराना मंदिर है, करीबन 1200 वर्ष पुराना मंदिर है और गढ़खंखाई नाम मंदिर नाम माता जी के नाम से प्रसिद्ध है। माता जी का नाम भद्रकालिका है। पैदल यात्रा की अभी आएगी, चुनरी यात्रा आएगी अष्टमी सप्तमी की रात में, तो अष्टमी को सुबह दर्शन करेंगे। नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और मां के अद्भुत रूप के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उज्जैन पहुंचे, जहां वे अल सुबह महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ सहित कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उज्जैन पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने के साथ ही विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल से देश और विश्व में सुख समृद्धि की कामना की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ये कामना बाबा महाकाल से की है। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कमलनाथ के बाद अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल पर भी गृह मंत्री ने तंज कसा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से साफ किया है कि मध्य प्रदेश में किसी भी आतंकवादी की खैर नहीं, चाहे जागृत हो, चाहे स्लीपर सेल हो, या किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सब सुखी हो, समृद्ध हो, निरोग हो, यही प्रार्थना रहती है। हमारा प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही कामना करते हैं महाकाल से। सदैव आता रहता हूँ, आज भी आया हूँ। ये उनका आंतरिक मामला है कौन रहेगा, लेकिन बीजेपी को टक्कर कोई नहीं दे सकता। ये आपने अभी 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देखी होगी। अब समाप्ति की ओर है, उनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। कटनी के बरही के एक शासकीय स्कूल में छात्रा को करंट लग गया। इस हादसे में स्कूल प्रबंधक की बड़ी लापरवाही सामने आई। बरही के शासकीय माध्यमिक विद्यालय बुजबुजा में एक बड़ी घटना घटने से टल गई। विद्यालय में 7वीं कक्षा की पढ़ाई करने वाली छात्रा सपना चौधरी विद्यालय से दूर लगे हैंडपंप में पानी भरने गई हुई थी। हैंडपंप के समीप ही कटीली लोहे की तार लगी हुई थी, जिससे छात्रा करंट की चपेट में आ गई। घटना होते ही आसपास के लोगों का हुजूम यहां उमड़ पड़ा और बच्ची को ग्रामीणों की मदद से बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर बच्ची का इलाज शुरू हुआ। बच्ची की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। शाला प्रबंधक पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित ग्रामीणों ने शाला प्रबंधक सहित स्टाफ के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। सर जी, बच्ची स्कूल गई थी,
स्कूल से शायद कोई मारकर इसको पानी के लिए भेजा है हेडपम्प, तो ये हेडपम्प में गई, वहाँ करंट लग गई, इसको फंस गई, गिर गई और भाग में से बच्ची के साथ में थी, तो बच्ची दूसरी वाली बच्ची पकड़ी उसको, वो उसको भी करंट लग गया, फिर वो उसको फेंक दी करंट से। हैंडपम्प बंद है जो कि बच्चों की सुविधाओं के लिए किया गया है, इसको चालू नहीं कर रहे हैं, मोटर डाली है प्रशासन की तरफ से, इसको चालू नहीं कर रहे हैं, ठीक, जिससे बच्चों को पानी पीने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि आज बच्चों को एक पूरन चौधरी के बच्चे की बच्ची का लाइट लग गया है, जिससे कोई भी मास्टर अभी अस्पताल नहीं लेके गया, मैं खुद अस्पताल भिजवाया, एम्बुलेंस बुलाया, बोलते हैं जब तक पेपर जमा नहीं होगा तो इसमें अपन बच्चा चाहे मर जाए कुछ भी हो जाए इससे कोई हमें आपत्ति नहीं है, ना हम इसके जवाबदार। ये कब की घटना है? ये आज की घटना है। इंदौर में एक 9 वर्षीय बच्ची का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना चंदननगर थाना क्षेत्र के पंचमूर्ति नगर की है। यहां रहने वाली 9 वर्षीय रोशनी का शव उसके घर पर ही फांसी पर लटका मिला। परिजन उसे एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 9 साल की बच्ची रोशनी ने खुद फांसी लगाई है या खेल खेल में फंदा लगा लिया, फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर परिवार के सदस्यों के बयान लेने शुरू कर दिए। उम्मीद है कि आत्महत्या की यह गुत्थी जल्द ही पुलिस सुलझा लेगी। रोशनी पिता शिशुपाल एक 9 साल की बच्ची है और पंचमूर्ति नगर में रहती थी, और इसकी फांसी लगने से सुलझाई थी थाने में और अभी इसमें जांच जारी है। शाजापुर के राज राजेश्वरी माता मंदिर प्रांगण में लगने वाले मेले में एक दुकानदार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान सिलेंडर में आग लग गई, आग से यहां भगदड़ की स्थिति बन गई। आग का ही मामला रात 1 बजे का है। मेले में ग्राहकी खत्म होने के बाद एक कंगन व्यापारी घरेलू गैस सिलेंडर पर खाना बना रहा था और इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की जानकारी लगते ही अड़ोस पड़ोस के व्यापारी जलते हुए सिलेंडर को दूर ले गए और कपड़ों और मिट्टी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। पूरा सिलेंडर आग की चपेट में आ चुका था। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और दुकानदारों ने हिम्मत दिखाते हुए अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया। इसी बीच फायर ब्रिगेड भी आ गई और आग पर काबू पाया। समय रहते टीम ने आग पर काबू पा लिया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि मेले में 200 से ज्यादा दुकानें हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसीएन भारत।